तो ये रही अपनी क्लासिक। अब इसकी हालत दिखा देता हूँ आपको। तो खास करके जो ये ऑयल वाले दाग हैं, दिख रहा है ये ऑयल, तो ये चीज़ अपने क्लीन करने वाले, इंजन के पार्ट में भी ये ऑयल है, इसको धोना है एक्चुअल में, ठीक है। सर्विस तो मैंने घर पे कर दी थी, धोया नहीं था, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ऑयल है, ये भी निकालना है, ये दाग, और गाड़ी गंदी है, ठीक है। इसको एक अपने अच्छे से वॉश करेंगे, ट्रिक शेयर करूँगा कि इसे मतलब कम पानी में आप धो सकते हो, ठीक है। अगर आपको कम पानी बचाना है तो ये गार्डनिंग का जो स्प्रे आता है इस्तेमाल करो, काफ़ी बिना मशीन के भी अच्छा रिजल्ट है और पानी काफ़ी कम, इतनी बल्टी में भी पानी बच जाएगा। वो है कुछ 20 लीटर के, लेकिन 20 लीटर ऑयल पानी नहीं है, अरे 10 लीटर बल्टी है, उससे कम भी हो जाएगा। अपना शैम्पू सस्ता वाला, ठीक है। इसको अपने देख रहे हो इतनी गंदी है, इसको धो के एकदम मस्त चमका देंगे। दो माइक्रोफाइबर टॉवल जाएगी या सिंपल टॉवल ले लो, ठीक है। एक शैम्पू के साथ में इस्तेमाल करें, फिर वो निकलता नहीं, इसलिए इसको उन्हें इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरे टाइम धोते जाएंगे दूसरे के लिए। तो पोछने के लिए कपड़ा आपको लाना ला दो, खास करके आप चैन पर देखो, हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, ये वाला इससे ज़्यादा गंदा है, इसको धोना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से धोया नहीं है इसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फिर ऐसे ही पूरी गाड़ी मैं भिगोने वाला हूँ, खास करके ये वाला इंजन वाला पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे जो ऑयल बिना की मिट्टी होगी तो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। देखो आप हो गया, आप देखोगे ध्यान से, तो ये मिट्टी निकलते जा रही है, ठीक है। तो ये प्रेशर रहेगा, निकल जाएगा। इस प्रेशर गन का इस्तेमाल करने का रीज़न ये भी है कि पानी कम से कम जाएगा। अब पूरी गाड़ी अपने ऐसे भिगोएंगे, ठीक है। मोबाइल ले रहा हूँ स्टैंड पर, और इसको अपने करेंगे चालू। मेन काम ये है, जो जैसे जो स्प्रिंग के अंदर मिट्टी जाती है वो निकलती नहीं है, तो थोड़ा प्रेशर करके मारोगे ना, ये सब निकल जाने वाला है भैया। इसको मेन जरूरी है कि जिसको ऑयल भी गिरता है, अपने चैन लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। डिस्क ब्रेक, ठीक है। तो ये सब अपने एक हाथ पहले पानी मार लेते हैं, आप देखोगे दूसरी काफ़ी अच्छी खासी मिट्टी निकल जाती है, जो ऊपर वाली हल्की मिट्टी होती है, बस जो बारिश की जैसी मिट्टी है गीली वो नहीं निकलेगी। तो ये एक हाथ मारती है, काफ़ी काफ़ी का इंजन पे काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आया। ये साफ हो गया, भिगो दिया है सबको एक हाथ। इधर वाला हिस्सा दिखाते हैं आपको, इधर ज़्यादा ऑयल है, तो जो ऑयल है वो नहीं गया है। अगर आप ध्यान से हो तो ऑयल वाला पानी मालूम भी पड़ता है, देखो, ठीक है। ये साबुन से जाए, सिरप से जाएगा, मतलब उससे शैम्पू से ऐसे नहीं जाएगा। बाकी मिट्टी जितनी कोशिश की थी निकालने की निकाल ली, 2.5 बोतल मतलब गया, मतलब ऐसे 3 लीटर पानी गया है। इसको भिगोने में अच्छी तरह, और ये भी भिगो दिए दोनों, ठीक है। अब इसमें बनाएंगे शैम्पू। तो ये जो अपना बोतल है, ये बोतल को, बोतल खोल के इसमें भरेंगे शैम्पू अपना। ये बोतल लेंगे, बोतल में पानी भर लेना आपको, ठीक है। जैसे ये बोतल बना लो, शैम्पू काम आएगा। और ये ऐसा टाइप का आप इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, ये बहुत गाढ़ा होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो अपने क्लिनिक प्लस आता है, या फिर जो घर में आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो डाल लो। इतने में अपना इनफ है धोने के लिए, और इसमें पूरा भर के अपने 2 लीटर का शैम्पू बना लेंगे, जो अपने पूरी गाड़ी में काम आ जाएगा, ठीक है। ये अपना शैम्पू तैयार हो गया, ठीक है। इसका प्रेशर आपको बना लेना है, और फिर जैसा जैसे शैम्पू ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गाड़ी पे लगे, ऐसा ये जो नोज़ल है वो आपको सेट कर लेनी है अपने हिसाब से। ज़्यादा ज़्यादा फैल के नोज़ल फैले, जैसे जैसे देखो अभी फैली मारे नोज़ल, ऐसा नोज़ल होना चाहिए आपके काम आएगा। और स्टैंड पर लेते हैं मोबाइल। तो फिर आपको जो नोज़ल बनानी है, तो कपड़ा लेना है माइक्रोफाइबर वाला, और फिर इसको मारते टाइम ऐसे इसे पॉलिश करते जाना, तो जो मिट्टी है वो निकलते जाएगी। तो बहुत आसानी से करो, ये इसका रिजल्ट है, ये हिस्सा मैंने पॉलिश कर दिया है। इसमें मतलब उस स्प्रे मारते टाइम करना है, खास करके जैसे देखो यहाँ मिट्टी है, तो यहाँ आपको घुमा देना है, रिजल्ट दिखेगा अच्छा, ठीक है। इंजन अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। और ये जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे ऐसे, वो स्प्रे मारते टाइम घिसते जाना है। अभी इनकी बताता हूँ रॉयल एनफील्ड वाली प्रॉब्लम, जो क्लासिक आती है या जो भी यहाँ से लिख के जाती थी पहले ना, थोड़ा बहुत ऑयल सी लीक हो जाती है, तो ये लोगों को बोलोगे कितना भी ना तो बदलेंगे नहीं, आपको धो के दे देंगे, मस्त ऐसे धो देंगे, पॉलिश कर देंगे,
आपको कुछ दिन तक तो नहीं दिखेगी, ये ठंडी ज़्यादा दिखती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इन लोगों की आप इतनी महंगी गाड़ी देते हो, प्रॉब्लम आई कस्टमर कंप्लेन करता है तो वो सॉल्व नहीं करते, ये लोग ऐसे धोखे दे देते, ये सर्विस सेंटर वालों की गलती है। आपको ऐसी लगे तो कंप्लेन डाल दो खुद का रॉयल एनफील्ड पे, वो कस्टमर उनके नहीं करो, ठीक है, सीधे उनके कस्टमर केयर को ही करो कॉल, कॉल के उनका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल के कंप्लेन में चढ़ा दो, फिर ये लोग बहुत ज़ोरदार सुनेंगे, फिर ऐसे नहीं सुनेंगे, फिर आपकी गाड़ी घर से आएंगे ले जाएंगे क्लीन करके, मतलब अच्छा खासा सर्विस करके फिर देंगे, ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, मेन दूसरा पोर्शन है ये, स्प्रे मारते टाइम इसको ऐसे घिस देना ये व्हील को, तो व्हील अच्छा खासा रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, एलो व्हील काफ़ी सिंपल है तो भी बहुत गंदा होता है, फिर खास करके जब बारिश का इलाका, बारिश का टाइम चल रहा है समर, लेकिन है हो रही बारिश रह रह के तो ज़्यादा गंदी करती गाड़ी, तैसे पूरी गाड़ी शैम्पू छिड़क के हम लोग उसको क्या करते हैं कपड़े से ऐसे घिस देते, तो ये कोट मतलब शैम्पू मार दिया उसके घिसने से अच्छा रिजल्ट आ गया। बस तकलीफ कहाँ होती है, जैसे कि रबड़ पे हो गया दाग रह गया, सूख गया एक्चुअल में, सूट करना पड़ता है और वो करने में तकलीफ होती है, फिर इससे आपको ये दाग दिख रहा है। आप कंटिन्यू घिसते हुए धो दोगे ना तो ये दाग नहीं पड़ेगा, तब क्या करना है इसको खाली करके इसमें अच्छा सा पानी ले लेना है और अब एक साफ कपड़ा लेना है, वो शैम्पू वाला नहीं, शैम्पू वाला इस्तेमाल करोगे तो उसमें शैम्पू निकलती रहती है, एक दूसरा कपड़ा ले लेंगे। ठीक है, और फिर सेम चीज़ इसमें प्रेशर बना लेंगे इसके अंदर बोतल के अंदर, और फिर शुरू करेंगे जैसे से आपने उसको घिसना शुरू किया था उससे ऐसे ही सेम। ठीक है, तो ये ऐसे आपको पानी फिर उगाना है, और साथ में देखो अभी ये जब पानी पूरा घिसोगे ये जो शैम्पू नहीं बैठा है वो सूख गया एक्चुअली, वो निकल जाएगा और फिर जाके आप फाइनल रिजल्ट आएगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, स्टैंड पे लेते हैं अपने मोबाइल, फिर जैसे आप मैं इसको एक तो पहले इसको भिगो लो कपड़े को ही, ठीक है, फिर आपको बस पानी गिराना है, सो जब लोग टाँकी भी गिरा रहे हैं तो टाँकी पे ऐसे ऐसे घिसते जाना है पानी गिराते हुए, तो आपका जो शैम्पू है निकलते जाएगा, जो दाग रह गए हैं वो दाग एकदम ख़त्म होते जाएंगे। ऐसे घिसते जाते हो शैम्पू निकल रहे हैं ना, जो एक्चुअल में शैम्पू सूख गया वो निकलते जाएगा, ऐसे प्रेशर बना लेना इसके लिए। ये क्यों इस्तेमाल करो, जिसमें पानी कम से कम जाता है और रिजल्ट अच्छा खासा आता है, इस टाइप का प्रेशर भी बनता है। अगर आप बल्टी के जग से पानी डालते जाओगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कितना पानी गया है, ऐसे दबा के घिसते जाओ और ये आपका साफ होते जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे मार रहे हो तो यहाँ पे मार दो जोर से प्रेशर बना के, जो ये इंजन का खांचा है ठीक है ऐसे मार दो तो एकदम मस्त क्लीन हो जाएगा और लीकेज कम से कम दिखे। कंपनी वाले ऐसे धोके खासकर प्रेशर मशीन से इस्तेमाल करते हैं, शायद मैंने इसका धोया है कि नहीं था कभी प्रेशर मशीन से, कभी धोऊंगा फ्यूचर में तो शेयर करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा इसका इंजन का, तो ये फ़ायदा है इसमें का, ये मिट्टी अंदर की भी निकाल देता है। और आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट, इंजन पे आपको क्लियर दिखेगा। तो ये जो पोर्शन देखो यहाँ पे जैसे ऑयलिंग का दाग दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था ठीक है, अंदर खांचे में रह गया है, जैसे कपड़ा मार दो देखो गया ना, इसलिए बोलो पानी मारते हुए कपड़ा मारना, फिर ये इंजन यहाँ देखो कितना क्लीन हो गया, स्टार्टर के पास दाग था ठीक है अच्छा खासा निकल गया। ऐसे पूरा आपको पानी लगाते लगाते मतलब करते हुए इसको गिराते जाना है, फिर लास्ट में तो जग डाल देना पानी अच्छी तरह गड़ा करवाना है, तो पहले मैं पूरी गाड़ी खाते से मार लेता हूँ। तो ये इसका रिजल्ट है ठीक है, ये क्लीन हो गया इंजन का पोर्शन, पहिया हाँ पीछे का पहिया भूल गया मैं ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें रह जाती हैं और मस्त आपको ऐसा लगे तो आप दो चार शैम्पू ऊपर से पानी डाल दो, ये वाला हिस्सा ज़्यादा साफ़ किया मैंने, ये वाला हिस्सा देखा आप जब जो मिट्टी दिख रही होगी वो क्लीन ठीक है, पिछले रिम मैं भूल गया वो तो भी कर देता हूँ ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, अपने सस्ता वाला पॉलिश मार देंगे इसके ऊपर ठीक है, और पॉलिश सिर्फ अपने ये वाले हिस्से पर, ये जो बैटरी उटी आती है उसमें एयर फिल्टर एक मड गार्ड और पीछे का ठीक है, इतने ही पोर्सन को पॉलिश करेंगे, इंजन पॉलिश नहीं करेंगे क्योंकि मिट्टी चपकती है और बाकी ये सब तो साफ़ करना आसान है। हाँ ठीक है, अब ये देखो कलर करवाया था मेरे घर का तो उसका कलर रह गया, ये ध्यान नहीं दिया मैंने ठीक है, इसको भी घिस के भी साफ कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं तब इसको मैं एकदम मस्त साफ करता हूँ फिर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो जब ये भी ले लिया तो क्या थोड़ा गीला हो गया, अब इसको सूखने का इंतजार करेंगे, आप रिजल्ट तो देख ही सकते हो, फिर उसमें मारेंगे अपना हल्का पॉलिश, फिर अपना देखते हैं क्वालिटी कितनी अच्छी आती है। तो आपको पानी दिखाना था, ये बल्टी खाली हो गई,
ये बल्टी में इतना पानी है, ये बल्टी आधी इस्तेमाल हुई और आधा पानी तो वो रुमाल साफ करने गया, एक दो बार रुमाल गिर गई मेरे से नीचे, इतना पानी गया तो आपको मतलब समझ लो पूरा 20 लीटर भी नहीं मिल जाने वाला, मतलब 12-13 लीटर में आपका हो जाएगा। वो कमाल है इसका, वो स्प्रे गन का, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि कम रह गया तो 2-4 चम्मच उठाओ पानी फेंक दो उसके ऊपर, ठीक है। और इसको सूखने देते हैं अपने और फिर अपने इस पर मारेंगे पॉलिश। तो फिर ज़्यादातर हिस्सा देखो सूख गया है। और ये क्या, जैसे मेट फिनिश होने से कोटिंग इस पर नहीं होती है कभी भी गाड़ी, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये अपना रहा पॉलिश, सस्ता वाला ये। आप जो भी इसे गैरेज में जाओगे तो ये लोग यही लगाते हैं। इसकी बड़ी कार वाले होंगे तो उनके पास बड़ी बोतल होती है, ठीक है। ये 30 रुपये है लेकिन आपको शायद 15-20 रुपये की आ जाएगी, 20 रुपये की। इसके साथ में फोम आता है, अगर आपका फोम खो जाए फोम लेते आना, मिल जाएगा कोई चिप द्वारा होगा ना वहाँ से। और थोड़ा बस इतना बहुत है आपके लिए, और बाकी बंद करके बोतल हमारी सीट पर गिर जाए, ये ले लो, ठीक है। बस आपका काम हो गया, धीरे धीरे इसको पूरा दबा के नहीं मारना, बस हल्के हाथ से आपकी टाँकी का काम हो जाएगा। ये पॉलिश हो गया, बाकी इसको भी नहीं मार रहा क्योंकि इस पॉलिश के बाद मिट्टी बैठती है। आप प्रीमियम इस्तेमाल करो या महंगा वाला, ठीक है। और ज़्यादा पॉलिश करने से आपकी गाड़ी की स्किन डैमेज होती है। आपने कोटिंग कराया तो आपकी थैली को नुकसान करेगा, नुकसान तो करेगा ये, ठीक है। ये भी ले लेते वाला हिस्सा भी, तो आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रही है कैमरे में इसकी चमक साफ साफ दिख रही होगी, तो ये इसका अंतर और इसमें अंतर दिख रहा होगा। ये तो थोड़ा धूप पड़ रही थी क्या, एक्चुअल में दिख नहीं रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये हो गया इधर का हिस्सा, इधर भी ले लेते हैं ये नीचे वाला हिस्सा। यही करके देते हैं, उसका पैसा लेते हैं वो लोग रॉयल एनफील्ड वाले, बाकी कार, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ घर पर भी कर सकते हो और आपकी गाड़ी मस्त फिनिश आ गया, ठीक है। आप थोड़ा सा क्रीम लगा लो और इसको भी मार दो। तो वही जो क्रीम ली थी मतलब उसने में ही ये पूरा ले लिया है, ये वाला पूरा हिस्सा, उधर का हिस्सा ये भी ले लिया, काला वाला भी। अब लेना है इसको, ये वाले को, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि समझो कि आप मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा मार दी, तो सूखा वाला साइड है उसको ऐसे थोड़ा घिस लो तो आपकी क्रीम वो ले लेगा वापस, ठीक है। ये वाले हिस्से पे भी मार दिया हल्के मैंने, ठीक है। ज़्यादा दबा के नहीं मारना है, ऐसे हल्के हाथ से भी लगा दोगे तो आपका मस्त हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये सब नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा ही लगाया बस, इतने में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगाना है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि बहुत अच्छा दिखेगा पॉलिश मार दो दबा के, उतनी ज़्यादा मिट्टी चिपकेगी आपकी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके वो करेगा, ज़्यादा उतना डैमेज करता है। ये वाला हिस्सा मैंने ले लिया पॉलिश में। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप अपनी घर गाड़ियों को घर पर भी मस्त कर सकते हो। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने इसको मशीन से धोया था। अगर वो मशीन इस्तेमाल करो जो टायर के अंदर की मिट्टियाँ रह जाती है, वो बारिश की बात खास करके मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी बारिश हुई तो हल्की फुल्की बारिश हुई है, उतनी बारिश है नहीं, ठीक है। तो आप इसका एक बार लुक चेकआउट कर लो, ठीक है। इधर से भी तो जो शाइनिंग पार्ट है आपको धूप में दिख रहा होगा, ये चमकता हुआ। ऐसे आप घर पर भी इसको, मैं देखो कोई स्पेशल टूल इस्तेमाल नहीं किया है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं, बस एक ये है आप किसी बाइक वाले के यहाँ जाओगे मिल जाएगा। इससे आप कार भी पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है बड़ी बोतल आपकी कार वाले इस्तेमाल करते हैं, लोकल चीज़ ही है। आपको ब्रांडेड इस्तेमाल करना है तो काफ़ी खासी है, 3M की भी हैं, ऑनलाइन है, आप मंगा के करो। हाँ, लेकिन ब्रांडेड चीज़ों का रिजल्ट लोकल से काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादातर लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही चैनल देखते हैं। 96% अपने व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इससे चैनल को क्या आगे को ग्रोथ मिलती है, मतलब जैसे वीडियो रेफर करता है दूसरे को, आप नहीं करोगे ना तो चीज़ें क्या होता है वो डाउनग्रेड करता है उसका एल्गोरिथम ऐसा, ठीक है। ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।